सीएए और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में लगभग एक महीने से महिलाएं धरने पर बैठी हैं। ये महिलाएं दूध पीने वाले बच्चों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। उनका कहना है कि नागरिकता को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए हालिया फैसले संविधान के खिलाफ हैं और यही वजह है कि वे नागरिकता के प्रमाण संबंधी कागज सरकार को नहीं दिखाएंगी। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग आपस में इस धरने के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। बात करने वाले लोग कह रहे हैं कि इस धरने में बैठी औरतों का कथित तौर पर शिफ्ट लगाने का कार्यक्रम चलता है और वो इसके लिए 500 से 700 तक एक दिन के मजदूरी लेती हैं। इतना ही नहीं, वे लोग क्लिप में यह भी कहते पाए गए हैं कि प्रदर्शन में चाय और बिरयानी आदि का इंतजाम भी इन लोगों के लिए किया जाता है जो कि प्रदर्शन में बैठने के लिए आते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को एक बार अपनी नजर से देख लीजिए। वहाँ पे क्या बीमारी क्या है? 1-1 लाख की दुकान बंद। अरे सारे दुकान, वो मकान मालिक ने किराया माफ कर दिया, कह रहे तुमने दुकान चलाया नहीं। 1-1 लाख रुपए जो रोड में सारी दुकान है, सबका किराया सबका माफ है, 1.5-1.5 लाख रुपए का माफ कर दो। कह रहे जब ये नहीं करा तो पैसे कहाँ से दोगे, छोड़ दो माफ कर दे मकान मालिक ने किराया। कह रहे जब हमने दुकान खोले तो हम किराया कहाँ से लाए? वो लेडीज जो बैठी है 500-500 रुपए ले रही है। लेडीज जो बैठी है वहाँ पे खाली में पैसे बट रहे हैं, उनके पैसे 500-500 रुपए ले रही है लेडीज। 500-700 जैसे बच्चों और शिफ्ट चेंज होती है इनकी, 12 से 13 इनका टाइम रहेगा। मतलब बंदे कंप्लीट होने चाहिए, मतलब कम नहीं होने चाहिए। जो जैसे 1000 बंदे की गिनती, अगर 1000 के पैसे आए तो वहाँ पे 1000 बंदे रहे। जैसे कालिंदी कुंज में 100 लेडीज बैठी हैं, अगर 100 बाद में आएंगी तो 700 रुपए मिलेंगी। नहीं नहीं, पैसे सेम मिलेंगे। जैसे 100 है ना तो 100 से 99 नहीं होनी चाहिए। 100 घर जा रही हो तो उसके जैसे एक गई तो दूसरी उनके जगह पे आकर बैठेंगे। लेकिन बंदे मतलब ऐसा लगना चाहिए कि पूरा लागू हुआ ही, मतलब ये कंटिन्यू चले जा रहा है। जबकि शिफ्ट चेंज हो रहा, बंदे हमेशा अलग अलग, तुम मिलेंगे कभी जाके देखना। बिरयानी खा रहे वहीं पे, बस खाना चल रहा है, चाय बिरयानी सब यहीं से जा रहा है, पैसा जा रहा है उनको। घर पे जाओ खाना वाना बना करके आ जाओ, जो घर पे ना सो यहाँ बैठो 500 रुपए ले जाओ, क्या दिक्कत आ रही है? ये कालिंदी कुंज की बात है। बटला उसके जितने बाहर के जो रोड है ना, लेफ्ट वाला राइट वाला मार रखा, पूरा का पूरा वो बंद कर रखा, जो मतलब दिखाने के लिए कर रखा है कि आप रात दिन बैठे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। 1-1 साल के बच्चे को लेके बैठे हैं, पैसे मिलते 500-500 रुपए ही नहीं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो शेयर किया जा रहा है। बीजेपी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे पोस्ट करते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस क्लिप को शेयर किया है। आपको बता दें कि हाल ही में सैकड़ों सिख पंजाब से शाहीन बाग पहुंचे और एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों में शामिल हो गए। मोगा, बरनाला, लुधियाना, पटियाला और संगरूर जिले के लगभग 350 से अधिक किसान यूनियन के बैनर तले मौके पर पहुंच गए और वहां पर पहुंचे इन सिखों ने लंगर लगाया प्रदर्शन कर रहे लोगों के लिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों की प्रमुख मांग है कि सरकार नागरिकता संशोधन कानून को तत्काल प्रभाव से वापस ले ले, क्योंकि यह एक संविधान विरोधी कानून है। जो वीडियो हमने आपको अभी दिखाया, इस वीडियो में लोग इस प्रदर्शन में बैठने वाली महिलाओं को 500 रुपये और 700 रुपये की दिहाड़ी पर बता रहे हैं कि वो 500 रुपये लेकर इस प्रदर्शन में आती हैं। इस वीडियो की सत्यता की जांच अभी तक नहीं हो पाई है। आपको इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको जरूर भेजिए। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबाइए, इससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कैमरामैन अमितेश कुमार के साथ सोनू कुंतल, आप देख रहे हैं व्यूज़ इंडिया। धन्यवाद। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, देश की सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत।